बार, अब सिर्फ प्लस वन है। देखो तो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर इज वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी पर। एंड इस चैप्टर के कॉन्टिन्यूटी में दो चैप्टर और हैं, एक आपका जो है कोलिजन्स, कोलिजन्स और एक सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद फिर स्टार्ट होगा रोटेशनल, राइट। तो ये सीक्वेंस है पूरा। तो हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पार। ये थ्योरी वाइज इतना छोटा है वर्क एनर्जी पार कि मैं आज 25% अभी आधे घंटे में ख़त्म कर दूंगा, और अगर मैं चाहूँ तो बाकी 75% आधे घंटे में अगली बार ख़त्म हो जाएगा। बस एनसीईआरटी लेवल इतना ही है, चार डेरिवेशन टोटल है और दो आज हो जाएंगी तो अगली बार ख़त्म हो गया। लेकिन ये न्यूमेरिकली इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, आपको बंडल देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये इसको हल्के में लिया नहीं जा सकता। ठीक, उसके असाइनमेंट्स की प्रिंटिंग अभी लगेगी संडे को हमारी, उसमें ठीक ठाक किताबी तैयार होएगी उसमें। ठीक, इसके न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है क्योंकि ये फोर्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर, काइनेमेटिक्स सब का जो है सब इन्वॉल्व करके चलेगा, तो इसकी वैरायटी ठीक ठाक बनती है। और क्योंकि इसमें नए टॉपिक्स आते हैं, स्प्रिंग्स जो हमने किए नहीं, तो स्प्रिंग के ऊपर ही एक लेक्चर कम से कम निकल जाता है। ठीक, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक के साथ, और स्टार्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्क के साथ, वर्क डन। ठीक, वर्क डन या वर्क क्या चीज है? बेसिकली अगर आप एक बॉडी के ऊपर एफ फोर्स लगाते हो, एस डिस्प्लेसमेंट है, तो बोलो ये अगर 10 न्यूटन है, ये 5 मीटर है और ये 30 डिग्री है, तो बोलो वर्क डन क्या होगा? 50 क्यों नहीं कहते एफ इंटू एस? यस, वो 10 से पहले कहते हैं, प्लस वन में थोड़ा ना कहते हैं, क्योंकि क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट क्योंकि प्लस वन में फोर्स इज अ वेक्टर, एस इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, और दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में या डॉट या क्रॉस लगेगा, क्योंकि वर्क डन इज अ स्केलर, इसलिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो इसीलिए जब इसको एक्सपैंड करते हैं तो वर्क डन की वैल्यू आती है एफ एस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो जैसे इस क्वेश्चन में फोर्स 10 है, डिस्प्लेसमेंट 5 है, कॉस ऑफ एंगल इसके बीच में कितना है, 30। तो इतने जूल्स आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो वर्क डन का फॉर्मूला आज जो इस अब हम यूज करेंगे एफ एस कॉस थीटा के हिसाब से करेंगे। ठीक, ये तो वर्क डन की बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगली बार आज मैं शीट दे नहीं रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया कि वो शीट इकट्ठी प्रिंट आउट होनी है, एक शीट में देना नहीं चाहता था आज, तो मैं प्रिंट ही नहीं करके लाया, तो नेक्स्ट टाइम बंडल बना के दूंगा, जो मैं लिख रहा हूं सब सीक्वेंस में उसमें लिखा जाएगा। देखो तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें दो टर्म्स और यूज होंगी, पहली कंजर्वेटिव एंड दूसरी नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या मतलब है इनका, काफी डिटेल में इसको भी डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस है कि अगर सपोज जिनके अगेंस्ट में काम करो, जैसे मैंने एक मास को उठा के यहां से यहां रख दिया, कितने हाइट पे रखा, एच हाइट पे रख दिया, तो मैं सीधा रखूं और मैं हां वर्क डन अगेंस्ट क्या कर रहा हूं, ग्रेविटी। तो अगर मैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करता हूं और मैं मास को यहां से यहां रखता हूं, या मैं इस रास्ते से रखता हूं, घुमा के रखूं मेरी मर्जी,
या मैं इंक्लाइंड प्लेन पे उठा के ऊपर लेके जाता हूं सच दैट उसकी वर्टिकल हाइट अभी भी कितनी है एच, ऐसे उठा के ले जाऊं, ऐसे उठा के ले जाऊं, इंक्लाइंड प्लेन से ले जाऊं, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी है एच, और अगर वर्क डन की वैल्यू किसी भी रास्ते के ऊपर डिपेंड ना करे कि आप सीधा लेके आए और टेढ़ा लेके आए, गोल लेके आओ, जैसे मर्जी लेके आओ, वर्क डन अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करे बस, तो हम बोलते हैं कि वर्क डन या जो फोर्स है जिसके अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है दैट इज कंजर्वेटिव। तो तभी बोला जाता है कि जो ग्रेविटी की फोर्स है दैट इज कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर आप काम करते हो, सिर्फ ये मैटर करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट ऊपर ले गए, ये मैटर नहीं करता आप किस रास्ते से ऊपर ले गए। रास्ता कोई भी हो, अगर डिस्टेंस एच है तो वर्क डन सेम ही आएगा। तो याद रखना ग्रेविटी की फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। ठीक, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हुई, जिनके अगेंस्ट अगर हम काम करें वो जो वर्क डन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो कंजर्वेटिव। एक और फोर्स है जिसको नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। अब नॉन कंजर्वेटिव क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है कि जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को, इस ब्लॉक को उठा के मैं यहां से यहां लेके आना चाहता हूं घसीट के, तो मैं वर्क डन करूंगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, ग्रेविटी का कोई चक्कर नहीं, फ्रिक्शन। कोई कहता है कि मैं सीधा ले आऊं, कोई कहता है मैं पूरे रूम में घुमा के ले आऊं, तो अगर कोई सीधा लेके आएगा तो अगेंस्ट फ्रिक्शन उसका वर्क डन कम होगा, और अगर लंबे रास्ते से लेके आएगा तो उसका वर्क डन ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शन की फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि इसके अगेंस्ट वर्क डन जब हम करते हैं तो वो पाथ पे डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से लेके आए, उस पे डिपेंड करता है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो कंजर्वेटिव का मतलब कि अगर उसके अगेंस्ट काम किया जाए, वर्क डन किया जाए, तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। दो डेफिनेशंस क्लियर है? तो आपका जो पहला टॉपिक जो है, जो स्टार्ट होता है वो, और हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्सेस को ही स्टडी करते हैं। हमने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन को स्टडी किया हुआ है, लेकिन हमने अभी तक वर्क डन का फॉर्मूला नहीं निकाला, क्योंकि हमने वर्क डन सीखा ही आज, तो हमने वर्क डन नहीं निकाले। वैसे हमें पता है कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। तो पहला टॉपिक इसमें ही आता है कि प्रूव दैट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉन्स्टेंट। ये प्रूव करना है कि अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करूंगा तो वो हमेशा वर्क डन कॉन्स्टेंट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, और मैं इस ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पर ले आया h, इस रास्ते से ले आया, तो मैंने वर्क डन कितना किया, मैंने वर्क डन किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू, मुझे बताओ जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाऊंगा मैं फोर्स लगाऊंगा कहां, ऊपर, तभी ऊपर जाएगा, अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगी, ऊपर, तो फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, एंगल उनके बीच में cos 0 क्या होता है 1, तो मैं फोर्स लगाऊंगा कितनी, जितना बॉडी का वेट है, वेट जितनी फोर्स लगा दूंगा, और इनटू h, cos 0 1 होता है, तो मेरा आंसर क्या आएगा mg। सबको पता है आप अगर ऑब्जेक्ट को h हाइट पर लेके आते हो तो वर्क डन की वैल्यू mgh है, और वही स्टोर हो जाती है उसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, mgh। क्लियर है? और कैसे सॉल्व किया, क्लियर है? फोर्स mg ऊपर की तरफ आपने लगानी है अगेंस्ट वेट, और एच भी ऊपर की तरफ, एंगल उनके बीच में 0। कोई डाउट इसमें? कोई कहता मैं तो ऐसे लेके ही नहीं आता। केस नंबर टू में सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट है m, और सपोज वो कहता है मैं तो पहले यहां लेके आऊंगा ऐसे, तो a से लेके b पे लेके आऊंगा, फिर मैं ऊपर लेके जाऊंगा ये रहा, c पे लेके जाऊंगा, c से फिर मैं d पे लेके आऊंगा, और फिर मैं कहीं जाके इसको यहां लेके आऊंगा, और हाइट मैं भी h ही कवर करूंगा, सेम हाइट मेरी भी इतनी है, तो
वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इसमें भी एम जी एच आएगा। कैसे? अगर कोई वर्क डन ए बी पोर्शन का निकालता है, ए से लेके बी, तो कोई कहेगा उसमें है क्या, मैंने उसको ऐसे धक्का मारा था और ब्लॉक इधर से इधर चला गया, पर मैं इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को स्टडी कहां कर रहा हूं, मैं तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में फोर्स भी कहां लगेगी, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इसमें हम कंसिडर नहीं करते। आपने ऐसे धक्का मारा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं अपना काम करूंगा अगेंस्ट ग्रेविटी। हाँ, वो कोई कहता अगर ऐसे धक्का मारना लाउड नहीं है इस गेम में, कोई बात नहीं, सर पे उठा लूं, हाँ उठा ले, क्योंकि सर पे जब उठाएगा तो वर्क डन फोर्स कैसे कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी। कहता सर पे उठा के रख दूं, बिल्कुल रख दे, सर पे उठाया, ए से लेके बी पे ले आया। अब जब सर पे उठा रहा है, फोर्स कहां लगा रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहा है, इधर, एंगल उनके बीच में कितना कर रहा है, 90। तो जब वर्क डन करेगा एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट ए बी, ए बी कॉस क्या पुट कर लेगा, 90, क्योंकि फोर्स इज अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट। हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात नहीं करेंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स बात करेंगे, ऑटोमेटिकली आंसर क्या जाएगा, जीरो। तभी तो फिजिक्स में बोला जाता है कि पूरा दिन कुली कोई काम करता ही नहीं, क्योंकि कुली के हिसाब से काम इसलिए नहीं हो रहा, कुली ने बोझ सिर पे उठा लिया, डिस्प्लेसमेंट वो हॉरिजॉन्टल करे जा रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एंगल हमेशा 90। तो फिजिक्स वालों के हिसाब से कुली कोई काम नहीं करता, अगेंस्ट ग्रेविटी जो भी काम करता है, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो अगेंस्ट ग्रेविटी ए बी का जीरो। लेकिन अगर आप वर्क डन बी सी का निकालोगे, बी सी, तो फोर्स कितनी लगाओगे ऊपर की तरफ, वेट जितनी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बी से लेके सी तक, और एंगल बोलो क्या होगा, जीरो, क्योंकि आप ऊपर लेके जा रहे हो, फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो आंसर क्या आएगा यहां पर, एम जी इंटू बी सी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, यहां का वर्क डन क्या होगा, सी डी का जीरो, क्योंकि वर्क डन कहां हो रहा है, फोर्स कहां हो रही है, वर्टिकल, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, एंगल फिर क्या बन गया, नाइट। भाई कुली जब हॉरिजॉन्टल वर्क चाहे इधर करे चाहे इधर करे, वर्क डन तो जीरो आएगा, तो यहां का भी जीरो। और लास्ट डीई का, तो वर्क डन डीई की फॉर्म में एम जी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट डीई ऊपर की तरफ, एंगल इनके बीच में जीरो, तो क्या आएगा, एम जी इंटू डी, यानी कि टोटल वर्क डन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो इनका वर्क डन तो हो गया जीरो, इसका और इसका ऐड कर दें, जब टोटल वर्क डन में ऐड करेंगे mg into bc plus de, ऐड करोगे तो bc और de ऐड हो गया, और bc और de किसके इक्वल है, h, तो वर्क डन फिर से क्या आ गया, mg h। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो आप चाहे वर्क डन जो है सीधा कर लो या घुमा के कर लो, घुमाने में हॉरिजॉन्टल के तो काउंट नहीं होने वाले, वर्टिकल मिला के फिर से एम जी एच होंगे, और वर्टिकल का मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक। तो आंसर फिर से एम जी एच। कोई कहता है ठीक है मैं ऐसे करूंगा ही नहीं वर्क डन, मैं केस नंबर थ्री यूज करता हूं। केस नंबर थ्री में वो क्या करता है, इंक्लाइन प्लेन यूज करता है। इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, थीटा। वो कहता है मैं तो ब्लॉक को ऐसे लेके जा रहा हूं, और वर्टिकल हाइट मैं भी कितनी प्रोड्यूस कर दूंगा, एच। तो मैंने कहा जब तू ऊपर लेके जा रहा था तो ये बता मिनिमम फोर्स कितनी लगाएगा, तो उसने कहा देखो एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, ये ब्लॉक एम जी साइन थीटा फोर्स से नीचे की तरफ आ रही है, तो मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो कम से कम कितनी लगाऊंगा, एम जी साइन थीटा ऊपर की तरफ लगाऊंगा, तभी ब्लॉक चाहे एक्सलरेट नहीं करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे धीरे ऊपर तो चला ही जाएगा, तो मैं फोर्स मिनिमम कितनी लगाऊंगा, एम जी साइन थीटा, कहां लगाऊंगा, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी सपोज कितनी है ऊपर की तरफ, एस, तो बोलो वर्क डन क्या होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि फोर्स मैं कहां लगा रहा हूं, इंक्लाइन प्लेन की तरफ ऐसे, डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रही है, ऐसी, फोर्स भी ऐसे, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे, एंगल जीरो। तो बताओ मैं कम से कम कितनी फोर्स लगाऊंगा, एम जी साइन थीटा इंटू एस कॉस जीरो क्या है, वन। अब इस ट्राइंगल में साइन थीटा किसके इक्वल है, एच डिवाइडेड बाय एस, तो पुट करें एम जी एच बाय एस इंटू एस, आंसर फिर क्या आ गया, एम जी एच। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक?
तो हर हालत में आंसर विल रिमेन सेम अगेंस्ट ग्रेविटी. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ जीरो करेंगे और फोर्स की जगह एमजी साइन थीटा पुट कर देंगे. ठीक. कोई कहता मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं चेंज करता हूं, मैं जिगजैग पाथ पे करूंगा. मैंने कहा कैसे? करा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा, इस पे करूंगा. अब क्या करोगे आप? तो हाइट अभी भी इसकी एच है. मैंने कहा करना क्या है? जब तू डिस्प्लेसमेंट करेगा ना टेढ़ी, मैं इमेजिन कर लूंगा कि तू आगे भी लेके जा रहा है और ऊपर भी लेके जा रहा है, टू डी ब्रेक कर लूंगा. और हॉरिजॉन्टल के वर्क डन्स को काउंट मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जब बॉडी हॉरिजॉन्टल जाती है तो वर्क डन में कुली वाला केस है, वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो. और जब मैं वर्टिकल वर्टिकल हाइट ऐड करूंगा तो फिर से मेरे पास आंसर क्या जाएगा? एमजीएच. ये मैथमेटिकली तो नहीं प्रूव करना, ऐसी छोड़ देंगे. कैसे लिखना है वो आपको शीट पे अगली बार लिख के दूंगा, अगर स्कूल में आएगा आपने कैसे उसको प्रूव करना है. तो पॉइंट क्लियर है, ये चैप्टर कहां से स्टार्ट है और इजी भी लग रहा है. ऑब्वियसली इसमें कुछ ज्यादा है नहीं अभी के लिए. ठीक. ऑब्वियसली यार अब लेवल तो उठेगा ही धीरे धीरे करके. एनर्जी है ना, वर्कडन है. वर्कडन कहां का करवा लेगा ये थोड़ा ना पता है क्या करेगा. है इसके अच्छी खासी वैरायटी, अच्छा खासा लेवल. बिलीव में ये करने के बाद फोर्स फ्रिक्शन को इजी बोलोगे, आसान ही बोलोगे. आप कहोगे यार बच्चों वाले चैप्टर थे वो तो. ठीक. तो ठीक है इसका लेवल, मजा आएगा इसमें. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है पहले ये बताओ. ठीक. कोई डाउट इसमें? ठीक. बट अगेन मैं फिर कहूंगा, क्योंकि इसमें फोर्स इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमें पुराने कॉन्सेप्ट काफी प्रैक्टिस किए हुए हैं, इसलिए आसान लगता है. ये आसान इसलिए नहीं लग रहा, अदरवाइज तो लेके बैठे रहोगे इसको. अगर फॉर्मली करूंगा, आप भी लिख रहे हो मैं भी लिख रहा हूं, तो 15 मिनट से पहले खत्म नहीं होने वाला ये. पर आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट अब थोड़ा प्रैक्टिस से ज्यादा दिखता है, या इतने क्वेश्चन के बाद 100 के बाद 5-7 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दोगे, इतनी रेशियो निकल के आती होगी. ठीक. तो क्योंकि इतने 100 क्वेश्चन करवाने के बाद हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन ठीक करना है फाइनल वाले, सिर्फ एक, इतनी रेशियो चाहिए बस. ठीक. जब वो एक आएगा देखो. अब इसके अंदर एक और चीज आती है कि जब एक किसी भी बॉडी को देखो, किसी भी बॉडी को जब आप यहां से ड्रॉप करते हो, ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वो हवा में कहीं यहां आएगी नीचे गिरने से पहले और फाइनली ग्राउंड पे लैंड कर जाएगी ऐसे. ठीक. और आपने कितनी हाइट से गिरा? एच हाइट से गिरा. तो क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी का मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? सेम ही रहेगी. ऐसा शायद छोटी क्लास में करवाते भी होंगे, ऐसा होता था. नहीं होता भी हो जाएगा देखो. तो यहां पर इस पोजीशन पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक निकलेगी. यहां पर पोटेंशियल बोलो कितनी है? एम जी एच. काइनेटिक कितनी है? जीरो. ठीक. टोटल एम जी एच. फिर रास्ते में जब वो नीचे गिरेगी, मान लो एक मिनट के लिए वो एक्स डिस्टेंस कवर करती है और हवा में इसकी वेलोसिटी अभी कितनी है? वी है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है और डिस्टेंस एक्स है. तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू इंटू जी इंटू एक्स. तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2gx. तो इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक देखते हैं. पोटेंशियल की वैल्यू बोलो क्या होगी? अगर ये एक्स है, हाँ, ये एच माइनस एक्स है, पोटेंशियल आएगी एम जी इंटू एच माइनस. ठीक. ग्राउंड से हाइट देखी जाएगी. और काइनेटिक क्या आएगी? हाफ इंटू एम इंटू वी का. तो मान लो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी वी है, तो एम जी एच माइनस एक्स प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर मैंने निकाला हुआ है कितना? 2gx. तो 2 से 2 कैंसल, इसे ओपन करते हैं. एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, ये क्या हो गया? कैंसल. तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? फिर से सेम कॉन्स्टेंट. ठीक है आता. और लेट अस सपोज नीचे गिरते ही इसकी वेलोसिटी वी डैश हो जाती है स्टार्टिंग से, एच डिस्टेंस के बाद.
वी डैश का स्क्वायर जीरो स्क्वायर टू इंटू जी इंटू एच, इसमें इसमें इक्वेशन, तो वी डैश का स्क्वायर आ गया टू जी एच। तो इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक जब निकलेगी तो पोटेंशियल तो हो जाएगी जीरो, काइनेटिक में हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, वी डैश की वैल्यू कितनी है टू जी एच, टू से टू कैंसल, आंसर इज एम जी एच। तो मतलब ये सेकेंड टॉपिक है जिसमें ये बताया जाता है कि जब आप बॉडी को रिलीज करोगे एक पॉइंट से हवा में किसी भी पॉइंट पे ले लेना टोटल एनर्जी क्या आएगी कॉस्ट। ठीक सही है। ठीक अब तीसरी बात करते हैं, इसमें तीसरी बात है एनर्जी की। ठीक देखो एनर्जी रिलेटेड चीजें कैसे करनी है इसको समझते हैं। ठीक है मैं लिख के दूंगा आपको शीट पे सारा अगली बार, तो आपको रिवाइज भी करवा दूंगा जो हमने आज किया। ठीक देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेसिकली एनर्जी के ऊपर है। कोई भी एनर्जी को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, पहला मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और दूसरी नॉन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। नॉन मैकेनिकल एनर्जी में जैसे साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या दुनिया भर की सारी एनर्जी जो है नॉन मैकेनिकल ही है। हम जो स्टडी करेंगे इस चैप्टर में वो मैकेनिकल है बस। नॉन मैकेनिकल में साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हम जनवरी में करेंगे, साउंड वेव आपके सिलेबस में है। लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्लस टू में ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है ही प्लस टू के पूरे सिलेबस में। तो इस तरीके से ये सारी एनर्जीज हम दो साल में स्टडी करेंगे। और अब जो फिजिक्स है वो नॉर्मली दो हिस्सों में बंटने वाली है, जैसे कि हमेशा फिजिक्स में दो ही चीज़ें होती हैं वैसे, या फोर्स या एनर्जी। तो हम कॉन्सेप्ट अभी हमने क्या किया, एक महीना लगा के सिर्फ फोर्स को डिस्कस किया। अब हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमने पहले किया लेकिन एनर्जी के साथ। हम कोई भी चैप्टर जो ओपन करेंगे अब से, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है प्लस टू का, चाहे मैग्नेटिक है, तो आधा चैप्टर चलेगा फोर्स पे, आधा एनर्जी पे, आधा फोर्स पे उसका फिर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो मतलब एक अगर मान लो जैसे मैं स्प्रिंग को खींचता हूं, तो स्प्रिंग को खींचने के लिए मुझे क्या लगानी पड़ती है, फोर्स। उस फोर्स के रिजल्ट से क्या स्टोर हो जाती है उसमें, एनर्जी। अगर मैं पत्थर को उठाता हूं अगेंस्ट ग्रेविटी तो मैं क्या लगाता हूं, फोर्स। और मैं फोर्स से क्या करता हूं, वर्क डन, और उसमें क्या डेवलप हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों चीजें इकट्ठी पैरेलल चलती हैं, तो एक बार फोर्स एक बार एनर्जी, राइट। तो ये चैप्टर जो डील करेगा वो एनर्जी में करेगा। तो हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फर्दर दो टाइप्स की है। पहले टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरे टाइप की एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे स्प्रिंग्स में होती है, स्प्रिंग को खींचते हो स्प्रिंग वापस आ जाता है, तो स्प्रिंग एनर्जी। स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, स्प्रिंग को खींचने के लिए क्या लगानी पड़ती है, फोर्स। ठीक है यहां तक, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। और उनमें से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एम जी एच। मैं रूल बता दूं एनर्जी को स्टोर करने का, एनर्जी का स्टोरेज का रूल क्या है। वैसे एनर्जी को स्टोर करने का ये रूल है, जैसे कि मैंने इसमें एनर्जी भर दी थी अभी आपने देखा, और फिर ये घूमा, मैंने वर्क डन किया होगा ऐसे करने में कभी ना कभी, और देखो मैंने छोड़ दिया तो ये वापस आ रहा है। देखो कोई भी एनर्जी को स्टोर करने का क्या तरीका है, जब भी आप अगेंस्ट नेचर काम करेंगे आपको फोर्स लगानी ही पड़ेगी, नेचर के उल्टा काम करना है। जैसे पत्थर चाहता है मैं जमीन पर पड़ा रहूं, नेचर चाहती है कि ग्रेविटी का अफेक्ट नीचे ही हो और वो आराम से नीचे आराम करना चाहता है।
आप कहते हो नहीं मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, तो उठा लो ऊपर, तो लगाओ फोर्स, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी लगाया। ऐसा करने में आपने क्या किया, वर्क डन। मान लो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन स्टोर हो गया 10 जूल, तो हम बोलते हैं कि इसमें पेन में एनर्जी स्टोर हो गई 10 जूल, जितना भी मैंने वर्क डन किया वो सारी की सारी इसमें स्टोर है 10 जूल। अब देखना चाहते हो, ये देखो मैं छोड़ रहा हूं इसे, ये खुद वर्क डन करेगा और नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या स्टोर है, एनर्जी। कोएगा ये क्या बात बनी, आप ऐसे समझाओ कि पत्थर को फोर्स मिली, अर्थ ने फोर्स लगाई और वो नीचे आ गया। सेम कॉन्सेप्ट फोर्स से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और सेम कॉन्सेप्ट एनर्जी से भी, पर फोर्स में होगा क्या, फोर्स में ऐसे समझाएंगे क्योंकि ये पत्थर ऊपर गया क्योंकि मैंने फोर्स लगाई अगेंस्ट ग्रेविटी, और ये नीचे इसलिए आया क्योंकि ग्रेविटी ने फोर्स इसे नीचे लगाई, बात खत्म हो गई। पर ये नीचे क्यों आया फिर, ऐसे तो, फिर ऐसे तो ये वाला पेंसिल बॉक्स है, ये पेन ऐसे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि फोर्स नहीं लग रही। फोर्स एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है, बट एनर्जी से भी दी जा सकती है कि मैंने जब फोर्स लगाया तो बॉडी डिस्प्लेस हुई, और जब फोर्स लगाने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होती है तो मैंने वर्क डन किया और वो वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपने अगेंस्ट नेचर काम किया और उसमें क्या भर गई, एनर्जी, और वो अपने एनर्जी को कम करना चाहता है जो आपने स्टोर की, वो वापस से जीरो करना चाहता है, जिस वजह से वो नीचे आएगा। पहला लॉजिक क्लियर है। दूसरी एक्सप्लेनेशन, सपोज करो एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे रहना चाहता है जैसा वो है, ना वो कंप्रेस होना चाहता है ना वो एक्सपैंड होना चाहता है। आप जबरदस्ती करे जा रहे हो, मैं खींचूंगा तेरे को और खींचूंगा और, तो खींच लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। वर्क डन करने के लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स। आपने फोर्स लगाया, स्प्रिंग डिस्प्लेस हुआ, आपने वर्क डन किया, मान लो 10 जूल कर दिया, आप छोड़ दो भाई, आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, आप छोड़ो उसे, जैसे छोड़ोगे वापस वहीं आ जाएगा और नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगा, सारी एनर्जी को लूज करेगा। तो यानी कि स्प्रिंग में भी क्या भर गई, एनर्जी, आपने अगेंस्ट नेचर काम किया, राइट। जैसे सपोज करो दो चार्जेस हैं, प्लस टू में सिखाते हैं, दो चार्जेस हैं, एक क्यू एंड एक क्यू, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों इकट्ठा रहने नहीं चाहते। अब क्या प्रॉब्लम है, मैंने जबरदस्ती पकड़ के इन्हें यहां रखा हुआ है, अब अगर मैं फोर्स लगानी, अब देखो ये तो अपने दूर बैठे थे कहीं, मैं जबरदस्ती इनको पास लेके आया दो चार्जेस को कि तुम पास आओ, अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट रिपल्शन वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे वर्क डन करना पड़ा ताकि वो अगेंस्ट, देखो अगेंस्ट नेचर काम कर रहा हूं क्योंकि प्लस प्लस रिपेल करते हैं, पर मैं उल्टा काम कर रहा हूं, मैं उनको पास लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे अगेंस्ट रिपल्शन काम करना पड़ेगा, अगेंस्ट नेचर काम करना पड़ेगा, और मैंने वर्क डन कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा फिर वापस, क्योंकि इनमें क्या स्टोर हो गई, एनर्जी। सेम कॉन्सेप्ट फोर्स से भी एक्सप्लेन्ड है, प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, पर रिपेल होने से डिस्प्लेसमेंट होगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन वर्क डन है, और वर्क डन ही एनर्जी है। पॉइंट समझ में आ रहा है। लास्ट एग्जांपल, सपोज करो ये नॉन मेडिकल लेना नहीं चाहता, और जस्ट 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 एग्जांपल एक्स वाई जेड एग्जांपल ले रहे हैं, लेना नहीं चाहता, फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहता, घर बैठे, अब पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं लेना पड़ेगा, अगेंस्ट नेचर, अगेंस्ट नेचर काम हो रहा है, वो कहता है मैंने लेना नहीं, वो कहता है लेना पड़ेगा, अब क्लास में आ गया, मैं कह रहा हूँ पढ़ना पड़ेगा, उसकी नेचर नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं पढ़ना मुझे, और मैं कह रहा हूँ तो पढ़ना पड़ेगा। अब जब तक इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्सेस हैं सोसाइटी की, तब तक ये बैठेगा भी और ये पढ़ेगा भी, लेकिन अगर इसको ऑप्शन दे दिया जाए, तू खुल आज़ाद है, तू कुछ नहीं को कहेगा पढ़ाई बंद, तो हो सकता है, हो क्या सकता है, नेचर के लॉ के अगेंस्ट काम हो रहा है, ये इस क्लास में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या भर गई, एनर्जी। ये बैठा तो है पर मन में सोच ही जा रहा है मैं कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो और मैं यहां से जाऊं। नेचर का लॉ है, सिर्फ सिर्फ वो बस मेजरेबल नहीं है, क्योंकि इमोशंस मेजरेबल नहीं है, ये फिजिक्स मेजरेबल है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो जब जब अगेंस्ट नेचर काम होगा उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी भर ही जाएगी और वो रिलीज करेगी करेगी जब उसको ऑप्शन दिया जाएगा रिलीज करने के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो जब हम एनर्जी भरते हैं, अगेन आप टैंक भी भरते हो पानी का, तो पानी स्टोर कहां होना चाहता है, पानी तो चाहता है मैं तो नीचे जाऊं बिल्डिंग के, आप जबरदस्ती मोटर चढ़ा के अगेंस्ट ग्रेविटी काम करे जा रहे हो, बिजली की फॉर्म में आपने एनर्जी दी, उसने पानी चढ़ा दिया, पानी को तो बंद करके रखा हुआ है आपने,
आप उसको खोल के देखो तो वो फटाफट नीचे आएगा। जबरदस्ती काम कर रहे हो, जबरदस्ती स्टोर किया हुआ है। हम बोलते हैं पानी स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसमें स्टोर हो गई है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस चैप्टर में बस कुछ नहीं है, हम एनर्जी ही भरेंगे इसमें और एनर्जी कंजर्वेशन करते रहेंगे। ठीक है यहाँ तक? टाइम क्या हुआ है? इसी कॉन्सेप्ट को फिर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टाइम इसे काफी आगे तक लेके जाएंगे। एनर्जी, तो आज का चैप्टर वर्क पा एनर्जी। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर वर्क पा एनर्जी के तक सिलेबस है, कईयों का सर्कुलर तक भी होगा, लेकिन ज्यादातर लोग वर्क पा एनर्जी एंड कोलिजन तक चलता है और आराम से हो जाएगा, अभी तो ऑब्जेक्टिव ही हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं शीट नंबर 50 का प्रिंट आउट लेंगे, तो आज हाफ सेंचुरी पूरी होती है हमारी। 50 नहीं है, 50 50 हो गई यार, मेरी रिकॉर्ड 50 बोल रहा है, ये देख। ओ अच्छा, आई एम सॉरी, आपकी असाइनमेंट मेरे हिसाब से 50 है। उसका रीज़न है दो टॉपिक्स हैं स्प्रिंग के, वो मैंने गलती से नंबरिंग 48 49 होनी चाहिए थी, मैंने इसका 50 कर दिया। कोई बात नहीं, वो एक्चुअली जब चैप्टर लिखा गया तो वो पहले लिखा गया, ये बाद में लिखा, मतलब उसमें वर्क एंड एनर्जी दो पार्ट्स हैं ना इसके, तो पहले मैंने एनर्जी लिख दी फिर मैंने वर्क लिखा और मैंने सेव उसको उल्टा कर दिया। करवाना भी मेरे को एनसीईआरटी के हिसाब से ही है, क्योंकि बेसिक्स बहुत वैसे ही चलेंगे जैसे बुक्स में है, तो मैं इसको 50 नंबर करना, 48 अपने आप आ जाएगी थोड़े दिनों में भी, नेक्स्ट टाइम आ जाएगी। तो ठीक कह रहे हो यार ये, पर अब मैंने रिकॉर्डिंग में बोल दिया 50, तो 50 नंबर का प्रिंट आउट लेना, अब इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो वर्क एनर्जी एंड पावर, हमने लास्ट टाइम इसकी इंट्रो भी की थी, पर वो इंट्रोडक्शन थी, मैंने ऊपर ऊपर से बताया था कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, लेकिन आज फॉर्मलाइज करेंगे चीज़ें लिखनी कैसे हैं स्कूल्स के अंदर और कॉन्सेप्ट को बिठाना कैसे दिमाग के अंदर, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे ऑब्जेक्टिव्स तो वो एकदम जो है बिल्कुल उसमें माइनस साइन प्लस साइन बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें, तो अब फॉर्मलाइज करते हैं। तो सबसे पहले वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एवर अ फोर्स ऑन अ बॉडी मूव्स थ्रू सम एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि अगर आप एक फोर्स लगाते हो और बॉडी उस फोर्स की तरफ मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, आप बोलते हैं वर्क डन हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी आप कहेंगे वर्क डन नहीं हुआ। फिर एफ और एस अगर सेम डायरेक्शन में है, जैसे फोर्स भी इधर है डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, एंगल उनके बीच में क्या होगा? जीरो। तो वर्क डन का फॉर्मूला बताया था एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एंगल जीरो होगा तो वर्क डन एफ इनटू एस। लेकिन अगर एफ एंड एस आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, तो अगर सेम डायरेक्शन नहीं है, जैसे एफ वेक्टर इधर है एस वेक्टर इधर है, तो आपने एफ का कंपोनेंट लेना है एफ कॉस थीटा, क्योंकि एक्चुअल में एफ कॉस थीटा कंपोनेंट बॉडी को राइट मूव करवा रहा है, क्योंकि राइट की तरफ एक ही कंपोनेंट ऐड कर रहा है एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ कॉस थीटा इनटू एस, या फिर इन शॉर्ट एफ एस कॉस थीटा, या इन शॉर्ट एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये मैंने आपको बताया था, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक हो गया यहाँ तक? तो वो शीट लिखनी जरूरी थी ताकि आप उसमें घूम जाओगे, पढ़ना क्या समझ में नहीं आएगा। अब ये सीक्वेंस चलेगा। नेचर ऑफ वर्क डन, तीन तरीके के वर्क डन पॉसिबल है। वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन नेगेटिव भी होता है, और वर्क डन जीरो भी होता है। वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल थीटा लेस देन 90 होता है, क्योंकि मैथ्स में जब हम वर्क डन एफ एस कॉस थीटा लेते हैं और थीटा अगर लेस देन 90 है तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर थीटा क्या हुआ? ग्रेटर देन 90, तो जैसे मान लो 120 डिग्री, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। सेकंड में कॉस थीटा क्या हो गया? नेगेटिव। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। पॉजिटिव वर्क डन तो क्लियर है, एफ और एस में जब एंगल लेस देन 90 है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। जैसे आपने एक बॉडी को ग्रेविटी के अंडर घेरा, आपने छोड़ दिया, काम किसने किया? ग्रेविटी ने किया। ग्रेविटी ने क्या किया? बॉडी को पुल किया। फोर्स कहां लगाई? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हुई? नीचे। एंगल बिटवीन नीचे एंड नीचे इज जीरो, नीचे नीचे जीरो, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसी तरीके से जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, स्प्रिंग को खींच रहे हो, फोर्स कहां लगा रहे हो? इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है? इस तरफ। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अगेन जीरो, तो वर्क डन फिर से क्या आएगा? पॉजिटिव।
तो ये सारे वर्क डन जिसमें जिस तरफ फोर्स लगती है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होती है, तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं उन एग्जांपल्स की जिसमें नेगेटिव वर्क डन आता है। नेगेटिव वर्क डन में सबसे पहली कंडीशन है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 90। जैसे एग्जांपल है, मान लो एक मिनट के लिए आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक, मान लो देयर इज अ ब्लॉक, आप ब्लॉक को स्लाइड करवा रहे हो, ठीक, आपके पास एक ब्लॉक है और आप ब्लॉक को स्लाइड करवा रहे हो, ये लो, ये ब्लॉक आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन इसको क्या करेगी, अपोज करेगी, राइट। तो ये मेरी अप्लाइड फोर्स है मान लो 10 न्यूटन, ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग में काइनेटिक फ्रिक्शन है 4 न्यूटन, और बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है बाय 3 मीटर लेट अस सपोज। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि वर्क, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब अप्लाइड फोर्स। तो जब मेरा वर्क डन पूछा जाएगा तो मेरी फोर्स लेंगे, मेरी फोर्स कहां है, राइट, डिस्प्लेसमेंट कहां है, राइट। तो वर्क डन बोलो क्या आएगा, 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 3 इंटू एंगल बिटवीन देम इज 0, cos 0 क्या है 1। तो इसमें वर्क डन किसकी वजह से निकला, मेरी वजह से, मेरी फोर्स की वजह से। लेकिन अगर वो ये बोलता है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो अब मैं फोर्स किसकी लूंगा, अपनी थोड़ी ना लूंगा, अब मैं फोर्स फ्रिक्शन की लूंगा। तो फ्रिक्शन की फोर्स कितनी है, 4, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3, क्योंकि फ्रिक्शन भी 3 मीटर तक एक्ट करती रही, लेकिन एंगल इनके बीच में क्या होगा 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180, कॉस 180 क्या होता है -1, तो आंसर क्या आएगा -12। तो यानी कि फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट अगर राइट होगी तो फ्रिक्शन लेफ्ट होगी, दोनों में एंगल 180 होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, जितनी भी रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं या फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उनके, उनका जो वर्क डन होता है वो हमेशा हमेशा नेगेटिव ही होता है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो इसमें यही लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स अगेंस्ट अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द फ्रिक्शन, एंगल 180 होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाई टू अ मूविंग व्हीकल, टायर पे ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक का कॉन्सेप्ट ही फ्रिक्शन है, रबर के पैड्स हैं वो टच करते हैं टायर को, टायर आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कार की आगे हो रही है और फ्रिक्शन पीछे लग रही है, तो फिर से वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर यहां तक, कोई डाउट इसमें? अगर कोई कहे फाइंड, इसी के अंदर फाइंड वर्क डन बाय नेट फोर्स, नेट फोर्स, अब नेट फोर्स में क्या होगा, ये 10, अपोजिंग फोर्स कितनी 4, तो फोर्स की जगह क्या पुट करेंगे, 10 माइनस 4, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, दिस इज नेट फोर्स, और जिसकी डायरेक्शन कहां आएगी, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि नेट फोर्स कहां आएगी, टुवर्ड्स राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें 3, कॉस ऑफ एंगल फिर से क्या आएगा 0, क्योंकि नेट फोर्स कहां लग रही है, टुवर्ड्स राइट, डिस्प्लेसमेंट भी कहां है, टुवर्ड्स राइट, तो F into S into cos 0, तो तीनों में आंसर डिफरेंट आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तीनों आंसर्स डिफरेंट आएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है जीरो वर्क डन। देखो जीरो वर्क डन कब होता है, फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो सेंट्रिपिटल फोर्स उसकी कहां एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। उसकी स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, टेंजेंशियल। याद है जब बहुत बड़ा चक्कर अगर मैं काटता हूं पूरे, मान लो चंडीगढ़ पंचकुला का पूरा बड़ा चक्कर, तो कुछ देर के लिए मैं कैसे चलता हूं, सीधा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगती है, टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को रेडियल फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वह टुवर्ड्स रेडियस एक्ट करती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड रेडियस सेंटर, और मेरी डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी, टेंजेंशियल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है तभी तो वेलोसिटी भी टेंजेंशियल होती है। तो एंगल हर वक्त उनके बीच में क्या बनेगा, 90। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90, एफ एस कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, जीरो। कई लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि क्योंकि बॉडी यहां से शुरू हुई वापस यहीं पे आ गई, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है,
आंसर जीरो है, नहीं सोचना है इससे। आपने 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर सपोज मैं बोलता हूं कि बॉडी सेमी सर्कल में मूव कर रही है, तो भी तो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए होगी सर्कल, आधे सर्कल के लिए भी, तो भी सेंट्रीपेटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल हर वक्त क्या बनता है इसमें, 90 ही बनता है। इसलिए वर्क डन की वैल्यू चाहे सेमी सर्कल हो चाहे सर्कल हो, सेंट्रीपेटल फोर्स का वर्क डन हमेशा हमेशा जीरो ही होता है। तो स्ट्रेट वे आपने, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स कितना वर्क डन करेगा, आंसर सीधा क्या मार्क करेंगे, जीरो। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट है कुली जीरो वर्क डन करता है। लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर कुली सामान कैसे उठा रहा है ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में एंगल हमेशा क्या बना रहा है, 90। एफ एस कॉस 90 इज जीरो। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इज सपोज एक पेंडुलम है, पेंडुलम मान लो नीचे की तरफ आ रहा है, पेंडुलम को आप सर्कुलर मोशन में कंसिडर करते हो, तो पेंडुलम नीचे आ रहा है, पेंडुलम की जो टेंशन है, रस्सी में टेंशन यहां होगी, कहां पॉइंट आउट करेगी, टुवर्ड सेंटर, टी वेक्टर, और पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी भी टेंजेंशियल है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल है। टेंजेंट और रेडियस में हर वक्त एंगल क्या रहेगा, 90। तो क्वेश्चन आएगा सिंपल पेंडुलम के अंदर टेंशन कितना वर्क डन करती है, आपने बोलना है जीरो करती है। कोई पूछेगा क्यों जीरो करती है, आप बोलेंगे कि टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में हर वक्त, क्योंकि एंगल क्या बनता है, 90, तो टी इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 90 विल गिव जीरो। क्लियर है यहां तक? तो कुछ एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं कि कहां कहां वर्क डन जीरो लेना है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अगर आपको इस फॉर्म में कुछ वैल्यूज गिवन हो, जैसे आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, एफ एक्स आई कैप, एफ आई जे कैप, एफ जेड के कैप, ऐसी आर एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ऐसे गिवन हो, एस एक्स आई कैप, एस वाई एस जेड, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए आप क्या करेंगे, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वर्क डन आ जाएगा। इसकी बजाय मैं आपको न्यूमेरिकल लिख के लाया हूं, जैसे फोर्स वेक्टर आपको क्या गिवन है, 2i कैप 3j कैप 4k कैप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या गिवन है, i कैप 2j कैप प्लस k कैप। क्वेश्चन आएगा वर्क डन निकालो, आप क्या करोगे, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर लिखो डॉट एस वेक्टर लिखो, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, कर लोगे डॉट प्रोडक्ट, सीधा आंसर आएगा 12 जूल। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो जरूरी नहीं है कि एफ एस कॉस थीटा में थीटा गिवन हो, अगर वेक्टर फॉर्म में एफ वेक्टर एस वेक्टर गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट से सीधा आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन करो। कितने को आ गया? देखो इसके अंदर करना क्या है, आपको ये गिवन है गार्डनर पुशेस अ रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, आपको डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर, आपको ये पता है फोर्स की वैल्यू कितनी है, 20 kg वेट मैंने बताया हुआ है। अगर kg वेट गिवन है, सबसे पहले 9.8 से मल्टीप्लाई करके इसको किसमें कन्वर्ट करें, न्यूटन में, आपको वर्क डन निकालना है, और एंगल आपको गिवन है 60, तो फॉर्मूला इज एफ एस कॉस 60, फोर्स की जगह 20 इंटू 9.8, डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना, 20 इंटू कॉस ऑफ 60, निकाल लेना, इतने जूल आंसर आएगा। सॉल्व कर लोगे?
ठीक, जिनका हो गया वो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। साइक्लिस्ट का ये रोलर है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये 60 डिग्री है, एफ एस कॉस 60, एफ और एस के बीच में एंगल देखा जाता है ना, तो रोलर तो ऐसे खींचेगा वो या पुश करेगा कुछ भी, एंगल तो डिस्प्लेसमेंट और एफ में 60 डिग्री गिवन ही है। साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग, स्किडिंग का मतलब वो स्किड मतलब घिसटता हुआ आ रहा है, साइकिल नहीं चला रहा वो, बेसिकली ब्रेक लगा दिया और स्किड करता हुआ आ रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितने कवर करता है 10 मीटर। तो अगर ये साइक्लिस्ट है और स्किड करता हुआ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितने कवर कर गया 20 मीटर, लेकिन इसमें क्या हुआ, स्किड करने में क्या लगेगी, फ्रिक्शन। तो उसने कहा कि द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड, तो इस सड़क ने इस साइक्लिस्ट पे क्या लगाई होगी, सड़क तो बेचारी क्या लगा सकती है, फ्रिक्शन लगाएगी, तो फ्रिक्शन कितनी लगा गई 200 न्यूटन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये फ्रिक्शन किसने लगाई, रोड ने लगाई। तो क्वेश्चन ये है हाउ मच वर्क डज द रोड डू, ऑब्वियसली फोर्स किसने लगाई, रोड ने, कौन सी, फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय रोड का मतलब यहां पे क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एक ही बात है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, नेगेटिव। तो 200 इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ 180, कॉस 180 इज माइनस, तो आंसर आएगा -4000 जूल। माइनस साइन का मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओ अच्छा डिस्प्लेसमेंट 10 है, ओके डिस्प्लेसमेंट 10 ले लो जी, 10 ले लो फिर 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें। अब क्वेश्चन में वो ये क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। भाई अगर रोड ने इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाई तो फिर साइकिल ने भी रोड के ऊपर फ्रिक्शन ही लगाई, इक्वल एंड ऑपोजिट। साइकिल वाला स्किड करेगा तो सड़क भी मूव करेगी, सड़क की डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो टोटल वर्क डन इज जीरो, मतलब वर्क डन जो करेगा साइकिल वाला वो तो जीरो ही करेगा, रोड ने तो वर्क डन कर दिया बाय प्रोवाइडिंग फ्रिक्शन, पर साइकिल वाला वर्क डन नहीं कर पाया क्योंकि रोड मूव हो नहीं सकती, इसलिए आंसर क्या आएगा उसकी वजह से जीरो। क्लियर है यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
देखो क्वेश्चन में ये गिवन है, एक फोर्स एक्ट कर रही है एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि आई कैप भी है और जे कैप भी है, के कांस्टेंट है कोई भी, एक पार्टिकल पे एक्स वाई प्लेन में, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन पार्टिकल इज टेकन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पार्टिकल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ले गए कहां तक, ए कॉमा जीरो, तो ए कॉमा जीरो, तो इसका पोजिशन वेक्टर कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम ओरिजिन, तो ये इसका पोजिशन वेक्टर है आर वन वेक्टर, तो आर वन वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए आई कैप प्लस जीरो जे कैप, ए आई कैप प्लस जीरो जे कैप, पोजिशन वेक्टर आ गया, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, ए कॉमा जीरो इसका कोऑर्डिनेट है, तो ये तो कोऑर्डिनेट है, तो ए के पीछे आई कैप, जीरो के पीछे जे कैप, तो आर वन वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि देन इट इज प्लेस पैरेलल टू वाई एक्सिस, फिर हम उसको कहां पे ले गए, यहां पे ले गए, और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा a, करेक्शन कर लो, a कॉमा जीरो नहीं है, ये a कॉमा a का पॉइंट है, करेक्शन करो, दिस इज a कॉमा a, ठीक, a कॉमा a का मतलब कि इसकी अगर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो फिर से वेक्टर यहीं से बनेगा, दिस इज r2 वेक्टर, तो ये इसकी पहली पोजीशन है, ये इसकी दूसरी पोजीशन है, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं कि ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये r2 वेक्टर को क्या लिखेंगे, a i कैप के पीछे a j कैप, करेक्शन कर लेना यहां पर, a i कैप a j कैप है, ये j कैप, ठीक है यहां तक, आपको दोनों यही है, ऐसा है, उसने कहा पहले यहां गया फिर यहां गया, ठीक, तो एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप कह रहे हो कि ये होनी चाहिए थी, राइट, वैसे नहीं, ऐसे नहीं है, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है कि फोर्स वेक्टर चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो काउंट होगा, दो पोजीशंस दे दी उसने, पहले वो ए कॉमा जीरो पे था, फिर वो ए कॉमा ए पे आया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि ए कॉमा जीरो से ए कॉमा ए पे आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये दो इनकी पोजीशंस है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये कौन है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट यानी कि r2 वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ r1 वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये पॉइंट क्लियर है, तो ये वेक्टर क्या आ गया, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को s वेक्टर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, r2 वेक्टर अभी आपने मुझे बताया a i कैप प्लस a j कैप माइनस a i कैप, r2 वेक्टर पता है, r1 वेक्टर पता है, दोनों की वैल्यूज को पुट कर लिया, दोनों को पुट करके s वेक्टर क्या आ जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, a j कैप, बाकी आपका क्वेश्चन है, ये आपने करना है बाकी, ठीक, तो वर्क डन निकालो, f वेक्टर डॉट s वेक्टर, करो डॉट प्रोडक्ट, तो वर्क डन बोलो क्या होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है माइनस के इनटू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट एस वेक्टर हमने निकाल लिया ए जे कैप, ठीक, अब इनका डॉट प्रोडक्ट लें, माइनस के को ऐसे रहने दो, आई डॉट जे क्या होता है जीरो, j डॉट j वन, तो क्या आएगा x इंटू ए, ठीक, j वाली टर्म को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू ए बच गया, ये i डॉट j तो जीरो है, j डॉट j वन है,
तो क्या आएगा x into a, ठीक। वर्क डन की वैल्यू आ गई यहाँ पे, डाउट इसमें समझ में आ रहा है यहां तक। अब आंसर में क्या करना है, देखो x कोऑर्डिनेट आप यहां पे हो चाहे आप यहां पे हो, x कोऑर्डिनेट हर वक्त कितना है a, तो आप एंड में x की जगह पुट कर दें a, तो माइनस a इंटू ए माइनस k इंटू ए का स्क्वायर आंसर, माइनस k इंटू ए का स्क्वायर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को आपने a पुट कर लेना आंसर, ठीक है। ओके देखो नेक्स्ट इज वर्क डन निकालने के तरीके बताए, दो तरीके हैं और रादर वर्क डन निकाल, आप कहोगे दो तरीके क्यों, हमें तो वर्क डन निकालना आता है, तो मैंने पूछा कैसे, तो कोई बोला वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, मैंने कहा हाँ सही है, पर मैंने कहा कि चल फिर ठीक है एक काम कर, मैं जो एफ वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं लेता, क्योंकि ये फॉर्मूला तब सही काम करेगा अगर फोर्स कांस्टेंट है, जैसे 10 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर आंसर आएगा, पर मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने फोर्स को चेंज करना शुरू कर दिया, फोर्स इज चेंजिंग, तो मैं वेरिएबल फोर्स लगाता हूं, वेरिएबल फोर्स समझते हो, फोर्स की वैल्यू पहले कम थी फिर ज्यादा कर दी या ज्यादा थी कम कर दी, अब मैं बोलता हूं फोर्स की वैल्यू बताओ क्या है, जैसे मैंने फोर्स पहले लगाई लेट अस सपोज 5 न्यूटन फिर 6 न्यूटन फिर 7 न्यूटन फिर 8 न्यूटन और एक बॉक्स को आगे धक्का मारना शुरू कर दिया, मैंने पूछ लिया वर्क डन बताओ कितना है जब उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अब देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जब फोर्स थी 1 न्यूटन तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और थी, फिर मैंने फोर्स बढ़ा दी तो मैंने ज्यादा वर्क डन किया, फोर्स और बढ़ाई ज्यादा वर्क डन किया, फोर्स और बढ़ गई और वर्क डन किया, तो हर इंस्टेंट पर वर्क डन इज चेंजिंग, पहले छोटे इंस्टेंट के लिए पहले शुरू में कम वर्क डन है, फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा ज्यादा, क्यों, क्योंकि मैं फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन है टोटल वर्क डन बताओ क्या होगा, ऑब्वियसली टोटल वर्क डन के लिए अब क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, सारे वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स इंक्रीज हो रही है एफ वन फिर एफ टू फिर एफ थ्री एंड सो ऑन, तो अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx 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 तो यहां का वर्क डन अलग है यहां का अलग यहां का अलग यहां का अलग, टोटल वर्क डन के लिए सारे वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा, लॉजिक समझ में आया, तो ये फॉर्मूला तब तक सही काम कर रहा है जब तक फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर फोर्स आपने इंक्रीज या डिक्रीज कर दी फिर आप ये समझ लो कि आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, तो वेरिएबल फोर्स जब वर्ड सुनाई देगा आपको, वेरिएबल फोर्स, फोर्स वेरीज विद टाइम, वेरिएबल फोर्स है, तो आप समझ लेना कि आपका वर्क डन कैसे निकलेगा बाय इंटीग्रेशन, अभी निकालेंगे कैसे बताऊंगा कैसे, वो कैसे करेंगे वो अलग बात है बट कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक। तो कहां इंटीग्रेशन से वर्क डन आएगा और कहां बिना इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये क्लियर है। अब कैसे इंटीग्रेशन लगानी है उसका लॉजिक समझो, लॉजिक ये है कि सपोज करो जैसे यहां से शुरू करते हैं, मान लो ये फोर्स जो x पे डिपेंडेंट है, x जब बढ़ रहा होगा फोर्स भी बढ़ रही है, दैट इज फोर्स अ फंक्शन ऑफ x, फोर्स डिपेंड्स अपॉन x, मेडिकल वाले ऐसे कर सकते हैं, और वर्सेस x, f और x का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और हमने ये देखा कि फोर्स की वैल्यू बढ़ती 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 जा रही है, ये देखो बढ़ती जा रही है, वेरिएबल फोर्स का केस है और क्वेश्चन ये है कि फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, अब ऐसे केस में वर्क डन निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, देखो क्या मैं ना इस डायग्राम की बजाय ना अपना डायग्राम बना रहा हूं, ये x है और ये f है, ठीक है, फोर्स और x का ग्राफ है, और मान लो ये मेरा वो ग्राफ है जिसकी बात कर रहे हैं, तो फोर्स साफ पता लग रहा है, आप चेक कर सकते हो, फोर्स इंक्रीज होती जा रही है इस तरीके से, ठीक। सपोज करो मैं आपसे ये पूछता हूं कि छोटी सी बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट ले लो,
दिखेगी भी नहीं आपको ऑब्वियसली इतनी दूर से। तो ये लेकिन बहुत छोटी लेनी है, बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट, कर्व नहीं हो सकती, टेढ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ डॉट, स्ट्रेट होती है। तो सच दैट इसके कॉरस्पॉन्डिंग ने कुछ ना कुछ फोर्स की वैल्यू तो आएगी आएगी यहाँ पे, नोट कर लेते हैं एफ। और एक काम करते हैं, इसको नीचे की तरफ से भी मिलाते हैं, दिस इज वेरी 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 स्मॉल, तो नीचे मिलाएंगे तो ये रेक्टेंगल की शेप देखो, ये देखो इसके नीचे का एरिया निकालने वाला हूं मैं, ये शेडेड एरिया, सच दैट दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी एक्स, क्योंकि ये एक्स की जगह छोटा सा लिया मैंने, इससे छोटा नहीं हो सकता डीएक्स, पर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली फोर्स को क्या लिया मैंने, कॉन्स्टेंट। ये पॉइंट समझ में आया? किसी ने ये किसने पूछा ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा देख ये डीएक्स है और इसकी रीडिंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस साइड, दिस इज एफ। तो मैंने कहा एक काम कर, तो उसका एरिया निकाल दे, शेडेड एरिया, बोलो ये शेडेड एरिया क्या आएगा, एफ इंटू रेक्टेंगल का एरिया एफ इंटू डीएक्स, और फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क डन। तो ये ब्लू कलर का जो एरिया है ये स्मॉल वर्क डन आ गया, सिर्फ इतने पोर्शन का, पर किसी ने कहा मेरे को तो पूरा वर्क डन निकाल के दो। तो मैंने कहा काम कर, तू ऐसे कई रेक्टेंगल बनाने शुरू कर, कई रेक्टेंगल बना। कहता कहाँ से शुरू करूं, मैंने कहा यहां से शुरू होते हुए रेक्टेंगल बनाता जा बनाता जा बनाता जा यहां तक आ जा, यानी कि एक्स ऑफ आई से लेके एक्स ऑफ एफ तक, और सारे रेक्टेंगल्स का एरिया डिफरेंट डिफरेंट आएगा, तो सारे रेक्टेंगल्स का एरिया मिला दे तो तेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। पॉइंट लॉजिक समझ में आ रहा है? पहले हमने एक छोटी सी पट्टी ली, इसकी छोटा सा स्ट्रिप लिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, फिर ऐसे सारी स्ट्रिप्स लेनी शुरू की एंड टू एंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, 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 एंड सबको ऐड कर दिया टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जैसे हमने काइनेमेटिक्स में एक रिजल्ट किया था कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ विल गिव वेलोसिटी, एरिया अंडर वी टी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट, एक और रिजल्ट याद कर लो, एरिया अंडर फोर्स एंड एक्स ग्राफ विल गिव टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। एफ और एक्स ग्राफ जो बना होगा, फोर्स और एक्स ग्राफ, तो आपको क्या देगा उसका, उसके अंडर एरिया टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर है यहां तक? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो बुक के अंदर डायग्राम बड़ा बेकार सा बना हुआ, देखो ये पूरी बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स ली इसने, जबकि दिस इज वेरी 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 स्मॉल, पर लॉजिक समझ में आ रहा है। उसने कहा कि एक स्ट्रिप ले लेते हैं ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स और फोर्स जो भी होगा इसमें, तो इसका एरिया क्या होगा, एफ इंटू डेल्टा एक्स, एफ इंटू डेल्टा एक्स। तो इसमें यही लिखा कि जो डब्ल्यू आएगा एफ इंटू डेल्टा एक्स रेक्टेंगल का एरिया आएगा, पर अगर मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो मैं ऐसे सभी रेक्टेंगल्स के एरिया, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल को मिलाऊंगा, मिलाने को क्या बोलते हैं मैथ्स में, सिग्मा करूंगा, कहां से कहां तक, एक्स आई से लेके एक्स एफ तक, तो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। लेकिन फिर उसने ये कहा कि डेल्टा एक्स तो निकालना बड़ा मुश्किल है, डीएक्स के साथ काम करेंगे, तो डीएक्स का मतलब है डेल्टा एक्स इज वेरी 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 स्मॉल, तो अगर डेल्टा एक्स छोटा होगा, हमने कैलकुलस में फर्स्ट लेक्चर में किया था, अगर डेल्टा एक्स छोटा होगा तो दिस डेल्टा एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डीएक्स। तो ये फॉर्मूला आ गया कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के अब हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर और हम वर्क डन निकालने के रादर हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका, अगर मुझे फोर्स की वैल्यू, अगर मुझे फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है, कांस्टेंट, चेंज नहीं होती, वो सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है, एफ एस कॉस थीटा आपको सीधा आंसर दे देगा, बात हो गई खत्म, जैसे अभी गार्डनर वाला क्वेश्चन कर रहे थे, रोलर वाला, ठीक हो गया। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम, अगर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इज अ वेरिएबल, फिर आपको कोई कुछ नहीं, कोई और तरीका नहीं, फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला आपको बचाएगा, ठीक। अगर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन बच जाती है, सीधा आंसर है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर वो तरीका है। दो तरीके क्लियर है, ठीक है यहां तक। तीसरा, अगर आपको ग्राफ गिवन है, ग्राफ, कोई फॉर्मूला नहीं गिवन, फोर्स का कुछ नहीं गिवन,
कोई वैल्यू भी नहीं कि मैंने फोर्स की, बस ग्राफ दे दिया। और कौन सा ग्राफ दे दिया? एफ और एक्स का ग्राफ। तो एक शॉर्टकट है, जब एफ और एक्स का ग्राफ देगा, इसको शेड कर लो एंड टू एंड, तो इसकी जो इसके अंडर एरिया होगा वो आपको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा। तो तीन रिजल्ट्स क्लियर है। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एफ एस कॉस थीटा, अगर फोर्स चेंज हो रही है तो एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन, और अगर कुछ नहीं गिवन और एरिया के उसने सिर्फ ग्राफ बना के दे दिया एफ और एक्स का, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व विल गिव वर्क डन। आगे बढ़ने से पहले इन तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। एफ एस कॉस थीटा के न्यूमेरिकल तो हमने कर लिए ऊपर। अब एक काम करो, इसको लगाने के लिए कॉन्सेप्ट को, आप पहले ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन, ये देखो। देखो फोर्स एफ की वैल्यू किसके इक्वल है? 15 प्लस 0.50 एक्स, यानी कि एक्स बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट, तो क्या करनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर ट्राई करो, ट्राई करो, एफ की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो।
ओके, कितने लोगों का आंसर मैच कर गया इसमें? क्या बात है, यानी कि इंटीग्रेशन आती है। इंटीग्रेशन भूले नहीं, क्योंकि जो अभी मेथड करवाया उसमें ये करवाया कि क्योंकि फोर्स चेंज हो रही है तो वर्क डन की वैल्यू विल बी इक्वल टू एफ डी एक्स, लिमिट एक्स की क्या लगेगी इनिशियली जीरो से लेके कहां तक, टू तक, फ्रॉम जीरो टू टू। कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ, एफ की जगह क्या पुट करेंगे 15 प्लस कितना 0.5x, dx कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म 0 से लेके 2 तक, एंड लास्ट 15 1dx 0 से लेके 2 तक, 0.5 कांस्टेंट, xdx 0 से लेके 2 तक। 15 1 dx की इंटीग्रेशन x 0 से लेके 2 तक, 0.5 x square by 2 0 से लेके 2 तक। एक बार x की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, सॉल्व करके आंसर चेक करो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? ठीक, तो इंटीग्रेशन कब यूज करनी है क्लियर है? और अगर यही क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन होता, ऐसा गिवन होता कि फोर्स इज जस्ट 15 बस, आंसर क्या होता वर्क डन का 15 इंटू 2, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 और फोर्स इज 15 कांस्टेंट, तो एफ इंटू एक्स आंसर। तो फर्क समझ में आ रहा है कि कब इंटीग्रेशन, अब कब इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। करूं देखो, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, अ वुमेन पुशेस अ ट्रक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। तो एक वुमेन पुश करती है ट्रक को, 100 न्यूटन की फोर्स लगाती है, फिर थक जाती है तो फोर्स को कम करती है और लास्ट में 50 न्यूटन तक कर देती है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है 10 मीटर और 10 मीटर टोटल 20 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। फ्रिक्शन प्रेजेंट है, हर वक्त फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है -50, माइनस साइन का मतलब फ्रिक्शन है, तो 50 न्यूटन की फ्रिक्शन हर वक्त प्रेजेंट है। आपको बताना है कि वुमेन ने कितना काम किया और फ्रिक्शन ने कितना काम किया। ठीक, तो अगर तो वुमेन का वर्क डन निकालना है फिर तो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो इसके अंडर ये पिंक कलर का जो शेडेड एरिया है ये वुमेन का वर्क डन आ जाएगा। और अगर फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है तो फ्रिक्शन का ये डॉट 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 फ्रिक्शन है, हर वक्त एक्ट कर रही है, तो ये एरिया जो होगा ये वाला, ये वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन होगा। तो अगर तो वर्क डन बाय वुमेन निकालना है फिर तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 100 इंटू 10 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ 100 प्लस 50, ये 100 और ये 50 और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 माइनस 10। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वुमेन का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा आंसर। और उसी तरीके से वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये वाला माइनस फिफ्टी इनटू ये डिस्टेंस कितना है टोटल 20, तो आंसर इज -1000 जूल, और फ्रिक्शन का वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव।
ऐसा नहीं हो सकता, या तो ग्राफ पूछेगा एक क्वेश्चन देगा, दो नहीं पूछेगा, दो मेथड अलग अलग है ना, या तो फोर्स की वेरिएशन पूछेगा तो फिर एफ डी एक्स कर देंगे इंटीग्रेशन, या ग्राफ से, दो टाइप का न्यूमेरिकल। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करो आंसर आ गया वर्क डन का, कैसे किया, एरिया, इसका एरिया बोलो क्या होगा, दिस इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एरिया इज 10 इंटू 2 माइनस 1 1, तो 10, इसका एरिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीन एरिया को ऐड करेंगे, तीनों वर्क डन पॉजिटिव और एक वर्क डन नेगेटिव, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नेगेटिव, तो तीन एरिया पॉजिटिव एक एरिया नेगेटिव, तीन वर्क डन यानी कि पॉजिटिव एक वर्क डन नेगेटिव, तो नेट वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करेंगे तो जो आएगा आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया यहां तक? ठीक, जैसे इसका एरिया अगर 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है, इसका माइनस 5 है, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 माइनस 5 इज द फाइनल आंसर। पॉइंट समझ में आया कैसे करना है? तो एरिया निकाल लोगे, उसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, एरिया एफ और एक्स का एरिया, तो इसका एरिया पॉजिटिव, इसका एरिया पॉजिटिव, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका एरिया नेगेटिव, तो ऐड सबट्रैक्ट कर लोगे, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड, राइट। फिर हमने क्या किया था, एनर्जी, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, और एनर्जी दो टाइप की, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल इंट्रोडक्शन दे दी थी, मैकेनिकल दो टाइप की, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग एनर्जी, तो हम इनको स्टडी करेंगे, सबसे पहले किसको स्टडी करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को, और अगले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, आपने इस पर फोर्स लगाई और कॉन्स्टेंट फोर्स लगाई, नॉट अ वेरिएबल फोर्स, कॉन्स्टेंट फोर्स लगाई और ये बॉडी यहां पर आ गई और इसकी वेलोसिटी वी हो गई, वेलोसिटी इसलिए बड़ी क्योंकि आपने फोर्स लगाई, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर ली, एस, आपको बताना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी इसमें स्टोर हो गई या कितनी काइनेटिक एनर्जी इसने पोजेस की, तो काइनेटिक एनर्जी दी एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो इसको करने का तरीका, आपने एफ कॉन्स्टेंट फोर्स लगाई, यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन ए है, एस डिस्टेंस है और वी फाइनल वेलोसिटी है, तो आप क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये बॉडी ds 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर ली है, कर रही है ds ds ds, तो हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, फिर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, ये देखने के लिए कि हमने वेलोसिटी को जीरो से क्या कर दिया, वी कर दिया, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, एफ डी एस कॉस जीरो, फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या होता है, डीवी बाय डीटी, इस पूरी फोर्स की जगह एम इंटू डीवी बाय डीटी रिप्लेस कर दिया, एम इंटू डीवी बाय डीटी, डीएस बाय डीटी क्या होती है, वेलोसिटी वी, तो एम इंटू वी इंटू डीवी, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डीवी, इंटीग्रेट करके टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालें, जब बॉडी चली थी यहां पे लिमिट्स वेलोसिटी की लगेंगी और यहां पर वर्क डन की लगेंगी, जब बॉडी चली थी तो वेलोसिटी जीरो थी और वर्क डन जीरो था, और जब वेलोसिटी वी हो गई तो वर्क डन लेट अस सपोज डब्ल्यू हो गया, वन डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन डब्ल्यू एम, वी डीवी की इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय टू, एक बार वी की जगह अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपने यानी कि कितना वर्क डन किया बॉडी को जीरो से वी वेलोसिटी पे लाने के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर, और यही उसके अंदर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन समझ में आ रही है, अगर पेपर में आती है कर लेंगे, ठीक है, यहां तक ये सारी करनी है, इस तरीके से हो जाएगा यहां तक। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी के क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, कोई फर्क नहीं है, तो एम इंटू एम क्या हो गया, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को लिख सकते हैं एम इंटू वी का होल स्क्वायर, एम इंटू वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम p, तो काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, भूलना नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर या p स्क्वायर बाय 2m एक ही आंसर देता है, क्लियर यहां तक, तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m या p इज इक्वल टू 2m, इधर चला गया अंडर रूट ऑफ
टू एम के, एक ही बात है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? कोई स्कूल का पेपर ऐसा नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना आए। इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो कितने क्वेश्चन तो मैंने बताई दिए, न्यूटन सेकेंड लॉ, रियल लॉ, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये तो बनेंगे बनेंगे, क्वेश्चन आने ही हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज प्रोड्यूस्ड इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब सपोज इस बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल यू थी और कितनी हो गई? वी हो गई, अपने आप तो हुई नहीं, मैंने क्या लगाई? फोर्स। वेलोसिटी बढ़ गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो मैंने वर्क डन किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन किया। जो मैंने वर्क डन किया, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो आपने वर्क डन किया इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और सिंपल टर्म में, इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लो 10 जूल थी, मैंने वर्क डन किया और इसकी फाइनल एनर्जी 30 जूल हो गई, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 30 माइनस 10, 20 जूल हो गई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि आपने 20 जूल का बाहर से काम किया है। ठीक, तो जो आपने वर्क डन किया 20 जूल, उससे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। एनर्जी कंजर्वेशन ही तो यार, कुछ है ही नहीं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसकी एनर्जी काइनेटिक 10 जूल, मैंने वर्क डन करके कर दी 30 जूल, इंक्रीज कितनी हुई? 20 जूल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि जो मैंने वर्क डन किया इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 20 जूल। तो मैंने वर्क डन 20 जूल किया। ठीक, तो स्टेटमेंट लिख लो कि ये वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो मैं वर्क डन करूंगा वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्रूव करते हैं। प्रूव के लिए जो ऊपर प्रूव किया नीचे सेम है, आपने वही इस बॉडी को मूव करवाने के लिए पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, एफ डी एस कॉस जीरो, सेम डायरेक्शन में। एफ क्या होता है? एम इन टू ए। ए क्या होता है? डी वी बाई डी टी। आप इस एफ की जगह एम इन टू डी वी बाई डी टी, डी एस बाई डी टी क्या होता है? वी। वी वही काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन फिर से रिपीट हो रही है, बिल्कुल सेम है जो अभी इससे पहले किया हमने। तो फिर से सेम एम वी डी वी, लिमिट में फर्क है, हमने पिछले केस में लिमिट क्या लगाई थी? जीरो से वी, इसमें क्या लगाई? यू से वी। तो वर्क डन की सेम ये डब्ल्यू आ गया, वी की इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू, एक बार वी की जगह अपर लिमिट वी स्क्वायर बाई टू, एक बार लोअर लिमिट यू स्क्वायर बाई टू, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो प्रूव हो गया वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपने करके आना है अपने स्कूल में जब ये प्रूफ में आएगा। डेफिनेशन भी ऐसे ही और प्रूफ भी ऐसे ही विद डायग्राम। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट करो, ट्राई करो। देखो, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, एक बॉडी जिसका मास 4 kg है एंड इसको 16 न्यूटन की फोर्स हम लगाते हैं, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जनरेट होगी। कितनी? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितनी हुई? 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? वो पूछ रहा है कि बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर होगी एट द एंड ऑफ कितने सेकंड? 10 सेकंड। तो एक काम करते हैं हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से पहले v निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है? जीरो, क्योंकि बॉडी किस पे थी इनिशियली? एट रेस्ट। एक्सेलेरेशन कितनी है? 4 और टाइम कितना है? 10। तो 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले v निकालना पड़ेगा और v के लिए पहले a निकालना पड़ेगा। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर। मास हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता है, इतने जूल की काइनेटिक एनर्जी आ गई। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए वी चाहिए और वी के लिए पहले ए चाहिए था, तो पहले ए आया, फिर वी आया, फिर आंसर आया। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करना, क्या क्वेश्चन है देखो।
क्वेश्चन है, अ टॉय रॉकेट ऑफ मास 0.1 kg, मास गिवन है, फ्यूल ऑफ 0.02 kg, ये तो जल जाएगा फ्यूल थोड़ी देर में, विच इट बर्न्स इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में ये जल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू इज इक्वल टू जीरो, स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, हॉरिजॉन्टल पे रॉकेट जाएगा पहले, इट गेट्स अ स्पीड ऑफ 20, तो रेस्ट जीरो से स्टार्ट होते हुए 20 की स्पीड एक्वायर कर लेता है जब फ्यूल पूरा बर्न हो जाता है, फ्यूल कितनी देर में बर्न होता है 3 सेकेंड में, तो वेलोसिटी भी 20 कितनी देर में कर लेता है 3 सेकेंड में, व्हाट इज थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, देखो जो थ्रस्ट होता है उसको फोर्स बोलते हैं, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो मुझे पता ही है रॉकेट का 0.1 kg है, अब एक्सेलरेशन के लिए वी इज यू प्लस ए टी, तो ए इज वी माइनस यू बाई टी, तो वी पता है मुझे 20, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना है 3, ये क्या आ गई आपके पास थ्रस्ट आ गया, एक आंसर आ गया थ्रस्ट आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर वो कह रहा है कि इसमें फ्यूल कंटेंट बताओ कितना है, एनर्जी कंटेंट बताओ पर यूनिट मास, यानी कि एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास का मतलब कि एनर्जी पर यूनिट मास बताओ कितनी है, अब एनर्जी के लिए काम करते हैं, उसने 20 की वेलोसिटी एक्वायर कर ली तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन की उसने, हाफ एम वी स्क्वायर, सारा जब फ्यूल बर्न हो गया, जब वेलोसिटी 20 एक्वायर हो गई, फ्यूल तो बर्न हो गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 20 जूल हाफ एम वी स्क्वायर से, ठीक, कितना फ्यूल बर्न किया ऐसा करने के लिए आपने 0.02 kg, ये फ्यूल सारा खत्म हो गया, तो एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास का मतलब इतनी एनर्जी उसने उसने रॉकेट ने एक्वायर कर ली इतने मास को बर्न करके, तो पर केजी 1000 जूल की एनर्जी ली पर केजी, ये उसका एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास है, यानी कि एनर्जी अपॉन मास, पॉइंट समझ में आ रहा है, तो मास किसका किससे डिवाइड करेंगे, फ्यूल के मास से, कौन जला रॉकेट का मास नहीं, रॉकेट नहीं जला फ्यूल जला, और काइनेटिक एनर्जी में मास क्या पुट करते हैं रॉकेट, काइनेटिक एनर्जी फ्यूल की नहीं रॉकेट की, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी निकलेगी और डिवाइडेड बाय फ्यूल का मास, क्लियर है यहां तक, आप ये क्वेश्चन करना प्लीज, यार अदर ये क्वेश्चन आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़े, मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूं, इस टेक्निक पे आप अगला क्वेश्चन करेंगे, टेक्निक ये है, बुलेट का मास गिवन है 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब 10 by 1000 kg, फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 800 meter per second, इतनी वेलोसिटी से वो हमने उसको फायर किया, आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल, ये मिट्टी की दीवार है, 1 meter thick है, एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100 meter per second, तो मिट्टी की दीवार में से जब वो बुलेट निकलता है उसकी वेलोसिटी 800 से सिर्फ 100 बच जाती है, ठीक है यहां तक, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल, तो अंदर स्पीड स्लो क्यों हो रही है, क्योंकि मिट्टी उसे अपोज कर रही है, रोक रही है, तो यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है और फ्रिक्शन का वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो वॉल ने काम किया वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो फ्रिक्शन ने काम किया नेगेटिव उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, बेसिकली तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं मैं, ठीक है यहां तक, अगर फ्रिक्शन काम ना करती तो फिर कोई एनर्जी में चेंज ना आता, वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखते हैं, मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है एफ है, मिट्टी की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ है, और कितनी देर तक लगी 1 meter तक, जब तक वो दीवार में एंटर करती गई, और आगे साइन क्या लगेगा माइनस, क्योंकि एंगल 180 होगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव, इतना वर्क डन हुआ इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये टर्म नेगेटिव आएगी क्योंकि छोटी में से बड़ी टर्म नेगेटिव कर रहा हूं माइनस कर रहा हूं, पर ये भी तो माइनस है ना, माइनस माइनस कट जाएगा, सॉल्व करके एफ निकालना है और मास आपको क्वेश्चन में गिवन है, मेथड समझ में आया, जब भी कोई वुडन प्लैंक में से मिट्टी की दीवार में से बुलेट निकलेगा तो एक ही रूल लगेगा कि मिट्टी की दीवार या जो प्लैंक है वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा तो माइनस एफ इनटू डिस्टेंस, और यही वर्क डन होगा जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आएगा, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, मास को पुट करके एफ की वैल्यू निकालनी है
और यही क्वेश्चन है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मड वॉल। क्वेश्चन न्यूमेरिकली सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? मेथड सबको समझ में आ रहा है पीछे? ठीक है, यहां तक सेम कॉन्सेप्ट को अगले क्वेश्चन में लगाना है। देखो कैसे लगाओगे, जस्ट एबल का मतलब होता है कि वेलोसिटी जीरो। 100 मीटर पर सेकंड से एक बुलेट आता है और 4 सेंटीमीटर थिक यहां पर आके रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। डायग्राम क्लियर है? क्यों रुका? क्योंकि प्लैंक ने अंदर क्या लगाई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, पहला केस क्लियर है। दूसरा, दूसरे केस में कह रहा है कि बताओ कितने वेलोसिटी से मैं एंटर करवाऊं बुलेट को ताकि वो 9 सेंटीमीटर प्लैंक के अंदर आके यहां पे आके रुक जाए। ठीक, वी मुझे निकालना है। मुझे ये बताओ कि ये इसलिए रुका क्योंकि इसने फ्रिक्शन लगाई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितने डिस्टेंस के लिए? 0.04। तो नेगेटिव वर्क डन होगा, बिकॉज फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क डन करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी देर तक काम करेगा? 0.04 तक। और इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक कितनी? जीरो। इनिशियल कितनी? हाफ इंटू एम इंटू 100 का स्क्वायर। क्या इक्वेशन क्लियर है? ठीक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ठीक है, फाइनल एनर्जी जीरो, इनिशियल निकाल ली, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सेम इक्वेशन इसमें बनेगी, माइनस एफ इंटू 0.09 इज अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू एम इंटू इस बार वी का स्क्वायर। ठीक, तो क्योंकि इसमें भी काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है? जीरो। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर लेना है। या एक काम करो, चलो ऐसे कर लो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डिवाइड करते हैं। वन इक्वेशन इज माइनस एफ इंटू 0.04 इज माइनस हाफ इंटू एम इंटू 100 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा? माइनस एफ 0.09 माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। माइनस माइनस एफ एफ माइनस माइनस हाफ हाफ एम एम कैंसल, वी आंसर निकाल लेना क्रॉस मल्टीप्लाई। डिवाइड करते टर्म्स क्या हो जाएंगी? कैंसल, वी अननोन है, वी आ जाएगा। मेथड सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है इसे? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो क्लियर है यहां तक? टेस्ट है आज।